नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने व्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। मजहबी कमेंट के बाद 13 साल के लड़के पर चाकू से हमला। किला थाना क्षेत्र के मुरादपुरा में हम उम्र 4-5 लड़कों ने मजहबी कमेंट के बाद 13 साल के लड़के पर चाकू से गर्दन के पास वार कर दिए। इससे लड़का बुरी तरीके से लहूलुहान हो गया। वो किसी तरीके से जान बचाकर घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना बताई। मामला दो संप्रदाय के बीच का था, इसलिए इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई। हालत बिगड़ने पर बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़के की मां का इल्जाम है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। मामले में लड़के के घर वाले दरगाह आला हजरत पर भी शिकायत लेकर पहुंचे और न्याय दिलवाने की मांग करी है। रामलला के वस्त्र बनाने में जुटी तीन तलाक पीड़िताएं। मेरा हक फाउंडेशन से जुड़ी तीन तलाक पीड़िताएं इन दिनों रामलला के वस्त्र बनाने में जुटी हैं। रामलला के वस्त्र में जरी जरदोजी का भी खूबसूरत काम किया जा रहा है। इन वस्त्रों को तैयार करने के बाद तीन तलाक पीड़िताएं अयोध्या जाएंगी और राम मंदिर के महंत को ये खूबसूरत वस्त्र सौंपेंगी। देखिए मामले को लेकर मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष परत नकवी ने क्या जानकारी दी। देखिए ये सौगात, ये भगवान राम जी के लिए वस्त्र बनाए जा रहे हैं जो अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है। ये वस्त्र वहाँ भेजे जाएंगे तैयार करवा के, और इसमें हम वस्त्र भी तैयार कर रहे हैं, इसके साथ साथ जरीदोजी का काम, कारचोपी का काम जो महिलाएं जानती हैं उनसे इस पे कारचोपी का काम भी करवाया जाएगा। और इन वस्त्र को हम अयोध्या लेके जाएंगे और भगवान राम को भेंट करेंगे। केशव कृपा कार्यालय से राम रथ रवाना, वितरित किया अक्षत। सिविल लाइन स्थित केशव कृपा कार्यालय से बुधवार को प्रभु राम के रथ को नारियल फोड़कर रवाना किया गया। इसके बाद राम मंदिर की प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए घर घर अक्षत, निमंत्रण पत्र, प्रभु राम का चित्र और पत्रक वितरण किया गया। साथ ही राम भक्तों से अपील करी गई कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न पहुंचे बल्कि घर पर दीप जलाएं। इस मौके पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, प्रमोद महेश्वरी, उमेश कठेरिया, पवन अरोड़ा समेत तमाम राम भक्त मौजूद रहे। बाइक में पेट्रोल भरवाने गए अधिवक्ता का तालाब में मिला शव। नवाबगंज के गांव मसीद निवासी 35 वर्षीय करमवीर सागर अधिवक्ता थे। वह बीती रात बाइक में पेट्रोल डलवाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद उनका कोई भी पता नहीं चल सका। बुधवार सुबह गांव वली नगर के पास लोगों ने उनका शव तालाब में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को नहर से निकलवा कर परिजनों को इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी फिसलने से वह तालाब में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई है। देखिए मामले में CO ने क्या जानकारी दी। आज दिनांक 3/1/2024 को PRV 172 थाना नवाबगंज द्वारा सूचना मिली। वली नगर में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली। थाना नवाबगंज मौके पर पहुंच के बाइक नहर में पड़ी मिली व शव 500 मीटर दूर मिला। शव की जब पहचान की गई तो शव करमवीर सिंह पुत्र देवीदास निवासी वली नगर का पाया गया। शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं मिली और शव का PM कराकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भमौरा में अरिल नदी में युवक का मिला शव। भमौरा के गांव सेंधा निवासी 27 वर्षीय देवपाल का शव अरिल नदी के पुल के पास मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच करी तो शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं मिला है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। देखिए मामले में CO आंवला नीलेश मिश्रा ने क्या जानकारी दी। आज दिनांक 3/1/2024 समय लगभग 7:45 देशपाल सनाफ रामगोपाल मौर्य निवासी सेंधा थाना भमौरा, उम्र लगभग 27 वर्ष की, डेड बॉडी आरिल नदी के पुल के पास पड़ी होने की सूचना उसके भाई के द्वारा दी गई। प्रथम दृष्टया शरीर पर कोई जाहिराना चोट नहीं है। सूचना का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 10 साल की बच्ची को रौंदा। देवरनिया के गांव आसपुर खेड़ा में रहने वाली 10 वर्षीय राधिका मंगलवार शाम गांव में नहर के पास खेल रही थी, तभी तेज रफ्तार गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी। इससे राधिका की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। ट्रैक्टर चालक की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। जिला जेल के बंदी की बीमारी से मौत। जिला जेल में सजा काट रहे बंदी सत्यवीर की मंगलवार रात को जेल में हालत बिगड़ गई। बंदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक सत्यवीर करीब 15 साल पहले शंकरलाल की हत्या के प्रयास के मामले में पिछले एक साल से जिला जेल में बंद थे। ट्रक ने बाइक को रौंदा, BA के छात्र की मौत, भांजा घायल। बहेड़ी के गांव सकुटिया निवासी 19 वर्षीय सुमित बुधवार सुबह बाइक से गांव नक्सुआ निवासी भांजे अंकित के साथ कॉलेज में परीक्षा देने जा रहे थे। मकसूदगंज के पास ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अंकित घायल हो गए, वहीं सुमित की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रोड पर जाम लग गया। गन सप्लायर गैंग का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बहेड़ी थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सोलंकी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अंतर्राज्यीय पिस्टल तस्कर सुरजीत सिंह निवासी बरई थाना पटियाली जिला कासगंज और उसके साथी हरबीर सिंह व सुखपाल सिंह
निवासी उधम सिंह नगर उत्तराखंड को हरसू नगला से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 पिस्टल, 5 मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान सुरजीत ने बताया कि इस अभिमन्यु से ग्वालियर से पिस्टल लाकर देता था और वो उत्तराखंड से लेकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक पिस्टल की सप्लाई करता था। बुधवार को भी पिस्टल सप्लाई करने जा रहा था, इस दौरान पुलिस ने दबोच लिया। सुरजीत ने अब तक करीब 50 पिस्टल बेचने की बात कबूल की है। पुलिस ने तीनों को आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मामले में एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्रा ने क्या जानकारी दी। दिनांक 3 जनवरी 2024 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम ने 2 अलग अलग मामलों में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा इनके पजेशन से 4 पिस्टल अवैध 32 बोर, 1 पिस्टल अवैध 9 mm, 6 मैगजीन, 11 कारतूस 32 बोर व 3 मोबाइल फ़ोन भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त की है। इन 2 प्रकरणों में जो प्रथम प्रकरण है उसमें एक अंतर्राज्यीय पिस्टल तस्कर सुरजीत सिंह जो थाना पटियाली जनपद कासगंज का निवासी है उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा उसके 2 साथी हरवीर सिंह व सुखपाल जो कि क्रमशः थाना पुलभट्टा, थाना रुद्रपुर, जनपद उधम सिंह नगर और उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं। सुरजीत सिंह ने प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि अभियुक्त अभिमन्यु जो कि ग्वालियर का निवासी है उसके द्वारा इसको 15,000 में पिस्टल दी जाती थी जो यह 25,000 की कीमत में उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद तथा बरेली, हरियाणा व पंजाब राज्यों में भी विक्रय करता था। इन सभी अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा इन असलाहों के स्रोतों की जानकारी की जा रही है जिससे अन्य रिकवरी भी की जा सके। इन सभी को आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बड़ा बाजार में पकड़ी गई 454 ब्रांडेड नकली घड़ियां। बड़ा बाजार में फास्टैग, सोनाटा और टाइटन जैसे बड़े ब्रांड की 454 नकली घड़ियां पकड़ी गई हैं। लगातार शिकायतें मिलने पर टाइटन कंपनी के दिल्ली से आए लीगल एजेंट गौरव तिवारी ने बुधवार दोपहर कोतवाली पुलिस टीम के साथ बड़ा बाजार की रहमान मार्केट में स्थित अदीप वॉच की दुकान पर छापा मारा तो इस दौरान दुकान से सोनाटा, टाइटन और फास्टैग ब्रांड की 554 नकली घड़ियां बरामद हुई। छापेमारी के दौरान दुकानदार फरार हो गया। इस पर पुलिस नकली घड़ियों को सील करके कोतवाली ले आई। कंपनी के प्रतिनिधि ने मामले में दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आइए आपको दिखाते हैं कि मामले में सीओ और कंपनी के एजेंट गौरव तिवारी ने क्या जानकारी दी। आज दिनांक 3/1/2024 को अपराह्न कोतवाली सदर में एक सूचना मिली कि एक कुतुब खाना बाजार के अंदर रहमान मार्केट वहाँ पे एक अभी सॉफ्ट टॉयज़ के नाम से एक दुकान पे जहाँ पे कुछ मॉडल कुछ कंपनियों की नकली घड़ी जो है वो विक्रय किया जा रहा है। इस को लेके आज उस कंपनी के कुछ एजेंट और कोतवाली पुलिस द्वारा उस पर छापा मारा गया जिस पे बड़े पैमाने पे वहाँ पे नकली घड़ियाँ बरामद हुई है और मौके से अभियुक्त अभी फ़िलहाल जो है वो फरार हो गया है जिसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। संबंधित कंपनी के जो भी एजेंट हैं उनकी एप्लीकेशन के आधार पर FIR दर्ज की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम भैया आपका? गौरव तिवारी। गौरव तिवारी जी, किस तरीके से आज आपने छापेमार कार्रवाई की है, कितनी घड़ियाँ बरामद हुई हैं, किस तरीके से सूचना मिली थी? देखिए, हमें बहुत टाइम से कंपनी की तरफ से सूचना मिल रही थी कि कंपनी के नाम का डुप्लीकेट घड़ियाँ मार्केट में बिक रही है जो कि बरेली जिले से यहाँ से मुरादाबाद और उसके आसपास पीलीभीत एरिया में बिकी जा रही है। तो इस संदर्भ में हम SSP साहब से मिले और एक लिखित आवेदन देने पे एक पुलिस टीम हमें दी गई छापामारी के लिए। कितनी घड़ियाँ बरामद की हैं? ये टोटल 554 घड़ियाँ बरामद की गई है जिसमें सोनाटा, टाइटन, फास्टैग ये 3 अलग अलग ब्रांड है टाइटन के जो मिले। कीमत है इन घड़ियों की? ये एक घड़ी की कीमत 2,500 रुपये है। दुकान का नाम क्या है, कैसे बरामद हुआ? ये जिसके पास से हमें मिला है उसका नाम है अदीबा वॉच जो कि रहमान मार्केट में है। कितनी दुकानों पर छापा मारा है? ये एक दुकान पर छापा मारी गई। कोई इसमें पकड़ा भी गया? नहीं, दुकानदार मौके से फरार। कंपनी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? इस संदर्भ में हमने एक लिखित आवेदन दिया है जिसमें कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया। ये देखिए, एक घड़ी की कीमत 2,500 रुपये तो 554 को आप उसी हिसाब से गुना कर लीजिए। मैं दिल्ली से आया। किस पोस्ट पर हैं सर आप? मैं एडवोकेट हूँ। अफीम लेकर दोस्त की जमानत करने निकला तस्कर गिरफ्तार। केंद्रीय नारकोटिक्स टीम को बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि बदायूं रोड के सिरोही चौराहे पर एक युवक हेलमेट में अफीम छिपाकर बेचने जा रहा है जिसे टीम ने धर दबोचा।
जिला अफीम अधिकारी महेश प्रताप सिंह के मुताबिक बदायूं के कादर चौक निवासी छोटे लाल अपने दोस्त अफीम तस्कर राजकुमार से मिलने बदायूं की जेल गया था। इस दौरान उसने अफीम बेचकर उसकी जमानत कराने की बात कही थी। छोटे लाल अफीम हेलमेट में छिपाकर बेचने जा रहा था, तभी टीम ने उसे पकड़ लिया। उससे 1 किलो 27 ग्राम अफीम बरामद हुई है। सीएससी प्रभारी पर ड्राइवर ने लगाए गंभीर आरोप, वीडियो वायरल। भितरी चैनपुर सीएससी प्रभारी पर राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम में लगे वाहन के ड्राइवर ने सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं सीएससी प्रभारी ने आरोपों को गलत बताया है। ड्राइवर ओम प्रकाश पटेल का आरोप है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार हर महीने प्रत्येक गाड़ी से 10,000 रुपए की सुविधा शुल्क की मांग करते हैं। बार सभागार में नई एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ली शपथ। बार सभागार में बुधवार को नवनिर्वाचित एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार दुबे ने शपथ दिलाई। एसोसिएशन अध्यक्ष के लिए मनोज कुमार हरित, सचिव पद के लिए वीरेंद्र प्रसाद ध्यानी के साथ अन्य पदों के लिए अधिवक्ताओं ने शपथ ली। शपथ के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। महिला ने देवर और दरोगा पर लगाए गंभीर आरोप। किला में चौधरी तालाब सुरखा निवासी जमीला ने बताया कि कुछ समय पहले उसने देवर यासीन और देवरानी महरूनिसा को अपने घर में रख लिया था। उनके देवर और देवरानी की उनके मकान पर नियत खराब हो गई। आरोप लगाया कि किला थाने की एक दरोगा से साठगांठ कर दोनों उसका मकान हड़पना चाहते हैं। उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब दरोगा समझौते के लिए 4 लाख रुपए मांग रहा है। उन्होंने SSP से मामले की शिकायत की है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।